इतनी इमरजेंसी में मैं आपको कॉल करती रहती या फिर अंकल को हॉस्पिटल लेकर आती। तंजीला बेटी ठीक कह रही है फैसल बेटा, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर हम इन्हें हॉस्पिटल लाने में थोड़ी भी देर कर देते तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर बेटा, तुम लोगों को भी मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ गई होगी ना। कैसी बातें करें अंकल आप, ये तकलीफ नहीं बल्कि माँ बाप की खिदमत करने का मौका है जो अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं करता। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपने जरूर कोई बदपरहेजी की होगी। नहीं नहीं, बदपरहेजी कहाँ की बेटा, तंजीला मेरा इतना ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, इसके होते हुए बदपरहेजी कहाँ से हो सकती है। अच्छा आप बातें कम और आराम ज्यादा, आप आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मेरा रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे अब्बा की जिंदगी बहुत कीमती है मेरे लिए, तुमने उनकी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरा सलूक बहुत बुरा था तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि अल्फाज असर रखते हैं, लोगों की कही हुई बातों का कोई ना कोई असर तो होना ही था। तो सिर्फ इस बात का है कि बाप बेटी के रिश्ते को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। मैं अब्बा को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत इज्जत है उनकी पूरे मोहल्ले में, रिटायर्ड क्लर्क हैं, सारी जिंदगी रिश्वत का एक पैसा नहीं लिया उन्होंने, और अब उनके बारे में कोई कुछ बुरा कहे तो कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। बस इसीलिए बहुत अच्छे इंसान है अंकल, लोगों का क्या है, उन्होंने तो वलियों तक को नहीं बख्शा, जो मुंह में आता है कहते थे। मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे इतनी सख्ती से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फैसल कहाँ रह गए? तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। ओ, तो मैं आऊँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे और अब्बा के दरमियान प्रॉब्लम्स रही हैं, ऐसी हालत में आई थिंक तुम्हारा ना आना ही बेहतर है। ये ना हो कि तुम्हें देखकर उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। ओके, if you don't want me to come,
तो मैं नहीं आऊंगी। हानिया प्लीज बात समझने की कोशिश करो, मैं अब्बा की वजह से कह रहा हूं। हेलो हेलो, फुर्सत मिल गई घर आने का। फैसल मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ तुम्हारी तरह जिसे सुनने के लिए लाउड म्यूजिक चलाना पड़ा। और तुम कुछ तो ख्याल करो, मेरे अब्बा हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं मौत से और तुम यहाँ बैठी म्यूजिक एंजॉय कर रही हो। मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि तुमने मुझे हॉस्पिटल आने से मना कर दिया। ऐसा क्या है वहाँ कि तुमने मुझे मना कर दिया? क्या मतलब, ऐसा क्या हो सकता है वहाँ? ये तो तुम्हें ही पता होगा। मैंने तुम्हें हॉस्पिटल आने से इसीलिए मना किया था कि जब तुम्हें अब्बा का एहसास ही नहीं है तो फिर वहाँ आकर दिखावा करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब दिखावा? तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं वहाँ आती तो दिखावा करती? आनिया प्लीज, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि कल रात तुमने क्या हरकत की है। बच्चा नहीं हूँ मैं, सब जान गया। क्या कहना चाह रहे हो? यही कि कल रात जब मैंने तुमसे फोन कॉल के बारे में पूछा तो तुमने इनकार कर दिया, जबकि वो फोन कॉल अब्बा के हार्ट अटैक के बारे में थी। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। How could you do that, Anya? तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? जानते हो वो फोन कॉल मैंने क्यों काटी थी? क्यों? बोलो, जवाब दो, क्यों? क्योंकि वो कॉल एक लड़की की थी जो बड़ी बेतकल्लुफी से तुम्हारा नाम ले रही। कौन है वो लड़की? वो अब्बा के कजन की बेटी है, हैदराबाद से आई है। अब्बा के साथ रहती है और उनकी देखभाल करती है। ओह, अब्बा की देखभाल करती है और तुम्हारा दिल बहलाती है? आनिया बकवास बंद करो, जो मुंह में बोले चली जा रही हो। मुझे बता दिया है हमारी फ्लाइट के बारे में? बता दोगे? बता दो उसे, से बात कर लो और उसे पूछ लो अगर वो हमारी गैर मौजूदगी में अपने माँ बाप के घर जाना चाहे तो मुझे कोई इतराज नहीं। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं रफीका? एक तो हम उसे अपने साथ यूएसए नहीं लेकर जा रहे, इस पे मैं उसे ये भी कहूँ कि तुम अपने माँ बाप के घर रहने चली जाओ, क्या सोचेगी वो? कितना बुरा लगेगा उसको कि हम उस पर इतना भी एतबार नहीं करते कि हम उसे घर पे अकेला छोड़ दें। वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है। अच्छा मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में जल्दी आ जाऊंगा। पैकिंग वैकिंग देख लेना, रात में हमारी फ्लाइट है, मैंने अपनी चीजें भी निकाल दी है, उन्हें उसमें एडजस्ट कर लेना। ओके। नौरीन? जी आंटी। कहीं जा रही हो? जी मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसे मिलने जा रहा हूँ। ओके, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी बोले। आतिर के इलाज के लिए हम उसे यूएसए लेकर जा रहे हैं, आज रात की फ्लाइट है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मैं इतनी जल्दी सब पैकिंग कैसे करूँगी? एक्चुअली बेटे, आतिर को लेकर सिर्फ मैं और रफीक जा रहे हैं, तुम यहीं रहोगी पाकिस्तान। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो रफीक का ख्याल है आतिर का अकेले जाना ज़्यादा बेहतर है।
I hope they'll not mind it. नहीं, it's okay. आप लोगों ने फैसला किया है तो कुछ सोच के किया होगा. और मुझे बता दें कि क्या पैकिंग करनी है, मैं करती रहती हूँ. I knew it. मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा. और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें तो नहीं, बस याद से उसकी मेडिकल फाइल ज़रूर रख देना. जी, मैं ज़रा अपनी तैयारी भी देख ली. दिल तंग आ गया बेटा यहाँ लेटे लेटे. तुम डॉक्टरों से कहो कि मुझे अब घर जाने दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब. जी नहीं, जब तक डॉक्टर्स तसल्ली नहीं कर लेते आप कहीं नहीं जाएंगे. और एक बात, यहाँ से सीधा आप मेरे साथ जाएंगे और मेरे साथ रहेंगे ताकि डॉक्टर्स आपका मुआयना भी कर सकें और आपकी अच्छे से देखभाल भी हो सके. नहीं नहीं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह ने एक बेटी दे दी है मुझे, तंजीला, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मगर अब तो वो भी मुझे छोड़कर जाने वाली है. अरे आओ आओ तंजीला बेटी. क्या कहा डॉक्टर ने रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट्स पहले से काफ़ी बेहतर हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत जल्दी घर जा सकते हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर आप चाहें तो अंकल के लिए हॉस्पिटल से ही नर्स भी ले जा सकते हैं. मैं भी आती हूँ. देखा कितनी परेशान है वो, सबने मिलकर इतना मजबूर किया है कि वो हमारे साथ रहना भी नहीं चाहती. मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे. क्या जी, क्या कह रही हो तुम? नहीं लेकर जाते तो ना सही, मेरी भला से. और मैं वहां जाकर करती भी क्या, मुझे अपने बेटे की खिदमत पर लगा देते और खुद दोनों घूमते रहते. तो क्या बेटा, तुम घर में अकेली रहोगी? तो इसमें हर्ज क्या है, अच्छा है यहाँ सुकून से रहूंगी इतने बड़े घर में. अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. मैं सर आंटी को बता दूँ कि मैंने सारी पैकिंग कर दी है. अल्लाह हाफिज़. ये लड़की इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी? थैंक यू, जरूर जरूर. अल्लाह हाफिज़. सॉरी जी, हो गई सारी पैकिंग? जी हो गई. और वो मेडिकल फाइल रख दी ना तुमने आज से? जी जी, मैंने रख दी है. अच्छा, जब आतिर ठीक होकर वापस आएगा ना तो देखना उसके अंदर की सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी. वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेगा. तुम दोनों के दरमियान जो भी नाइत्तफाकी है, दूरियां हैं, नफरतें हैं, सब खत्म हो जाएंगी, मोहब्बत में बदल जाएंगी, देखना तुम. जी आंटी, काश ऐसा ही हो. आप तो जानती हैं कि इस रिश्ते को बनाने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी और इस रिश्ते को खुशगवार बनाने के लिए मैं दिल से ख्वाहिशमंद हूँ. आप तो समझ सकती हैं. आई नो, मुझे इस बात का आइडिया और मुझे ये अंदाज़ा भी है कि तुम कितना चाहती हो आतिर को. सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. मैं ये चाह रही थी नौरी, हम लोग चले जाएंगे, जाहिर बात है घर पे नौकर तो होंगे, लेकिन बेहतर होगा तुम अपनी अम्मी और नानी को यहाँ पर बुला लो. बल्कि ऐसा करती हूँ मैं, फ़ोन कर देती. अरे नहीं नहीं आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें खुद कॉल कर लूँगी. श्योर. ओके, मुझे एक तो और इम्पोर्टेंट कॉल्स भी करनी है, मैं ज़रा वो देख लूँ. एक्सक्यूज मी. अम्मी और नानी को बुलाने की क्या ज़रूरत है भाई, कुछ दिन की आज़ादी मिली है,
अपनी मर्जी से जीऊंगी। अब ये मत कहना कि तुम कॉफी नहीं पीती, क्योंकि दुनिया का कोई बेवकूफ तरीन इंसान ही होगा जो कॉफी को इनकार करेगा। तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया, आपने कभी पूछा ही नहीं। सो तो है, कभी मौका ही नहीं मिला। खैर अब बता दो, सब कुछ तो जानते हैं, क्या बताऊं? सिवाय इसके कि तुम हैदराबाद से आई हो और अब्बा के किसी कजन की बेटी हो, जिन्हें कम से कम मैं तो नहीं जानता। इतना कुछ काफी नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करती थी, तुम्हें क्या पसंद है वगैरह वगैरह। मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। बहुत आम सी लड़की हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। फिर पढ़ाई के दौरान ही कुछ ऐसे हादसे हुए कि सब कुछ बदल गए और जिंदगी मौत से बदतर लगने लगी। अगर अंकल का साथ ना होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। यहां तमाशा मत खड़ा करो, लोग देख रहे हैं। देखते हैं तो देखते रहे, मैं क्यों किसी की परवाह करूं? जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं किसी की परवाह? अनिया प्लीज अब जाओ यहां से, ताकि तुम इस दो टके की लड़की के साथ अय्याशी करते रहो। उसे मुझ पर शक है और अब उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है और उसका शक यकीन में बदल गया है।